स्वराज पार्टी पराधीन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बना एक राजनीतिक दल था। यह दल भारतीयों के लिए अधिक स्वशासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा था। भारतीय भाषाओं में स्वराज का अर्थ है अपना राज। जब सन 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो कुछ नेताओं ने इसके विरोध में स्वराज पार्टी की स्थापना की। उनका मानना था कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेके गलत किया, इसे वापस नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि यह आंदोलन आश्चर्यचकित करने वाली सफलता पा रहा था। कुछ दिनों में यह अंग्रेजी हुकूमत की कमर तोड़ देता और इस बात से खफा हो गए कुछ लोग। हालांकि 1 जनवरी 1923 में चितरंजन दास, नरसिंह चिंतामन केलकर एनसी केलकर और मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी नाम के दल की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष चितरंजन दास बनाए गए, मोतीलाल उसके सचिव बनाए गए और इस प्रकार कांग्रेस में दो दल बने गए, एक परिवर्तनवादी दूसरा अपरिवर्तनवादी। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्वराज पार्टी परिवर्तनवादी टाइप का दल था। ठीक है, तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि स्वराज पार्टी या कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 को सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। स्वराज पार्टी का गठन विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं जैसे असहयोग आंदोलन और भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1923 के चुनाव के परिणाम के रूप में देखा जाता है। ठीक है, देखते हैं बैकग्राउंड क्या रही। तो चौरी चौरा घटना के बाद महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अभी जैसा कि हमने बताया कि कुछ नेता चाहते थे कि ये आंदोलन वापस लिया जाए और कुछ चाहते थे कि ये आंदोलन वापस ना लिया जाए। तो इस प्रकार से कांग्रेस के पार्टी या कांग्रेस पार्टी के बीच जो नेता हैं उनमें आपस में कन्फ्लिक्ट आता है और कुछ बातों को लेके असहमति होती है। और इसमें देखने को मिलता है कि कुछ असहयोग को जारी रखना चाह रहे हैं और कुछ विधायिका के जो बहिष्कार किया गया था असहयोग में उसको समाप्त कर चुनाव लड़ना चाह रहे थे। तो जो असहयोग को जारी रखना चाह रहे थे वो कहलाए नो चेंजर। और ऐसे नेताओं में राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ पटेल और सी राजगोपालचारी आदि थे। और जो अन्य लोग विधान परिषद में प्रवेश करना चाहते थे, ब्रिटिश सरकार को भीतर से बाधित करना चाहते थे, उन्हें समर्थक परिवर्तक कहा जाता था, जो कि स्वराज पार्टी में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लोग कुल मिला के जो काउंसिल के चुनाव होते हैं उन चुनाव में पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे और चुनाव के द्वारा चयनित होकर ब्रिटिश सरकार का हिस्सा बनना चाह रहे थे। इस प्रकार से वो सरकार का हिस्सा बनते हुए सरकार को अंदर से बाधित करना चाह रहे थे। तो इन नेताओं में सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, श्रीनिवास अयंगर आदि शामिल थे। 1922 में कांग्रेस के गया सत्र में, यहाँ पे ध्यान देना कि कांग्रेस का गया सत्र कब हुआ था, 1922 में, इसकी अध्यक्षता की थी सी आर दास ने। यहीं पे सी आर दास ने अपना रिजोल्यूशन सबके सामने रखा था, अपना प्रस्ताव सबके सामने रखा था, प्रपोजल रखा था अपना, कि हम एक ऐसा चाहते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो चुनाव होते हैं उसमें हम पार्टिसिपेट करें और ये जो लेजिस्लेटिव का हमने बहिष्कार बाइकट किया है उसका हम यहाँ पे समापन कर दें। तो इस प्रकार से उनके जो प्रपोजल उन्होंने दिया उसको यहाँ पे माना नहीं गया और इस प्रकार से उनका जो प्रस्ताव है वह हार गए। और दास और अन्य नेताओं ने इसके बावजूद शांति नहीं रखी और ये कांग्रेस से अलग हो गए और स्वराज पार्टी का गठन किया। सी आर दास उसके अध्यक्ष बने और मोतीलाल नेहरू सचिव बने। स्वराज पार्टी के प्रमुख नेताओं में एन सी केलकर, हुसैन सईद सोहरावर्दी और सुभाष चंद्र बोस भी शामिल थे। स्वराज पार्टी के उद्देश्य देखें तो स्वराज पार्टी का मेन उद्देश्य था ऑटोनॉमी या सॉवरेनिटी, अपने जगह पे अपने स्टेट में प्रभुत्व कायम रखना और साथ ही साथ उस स्टेट और देश के लिए संविधान बनाने का अधिकार प्राप्त करना और नौकरशाही पर नियंत्रण रखना और पूर्ण प्रांतीय स्वायत्तता प्राप्त करना, स्वराज को बनाए रखना, लोगों को सरकारी मशीनरी को नियंत्रित करने का अधिकार मिलना, औद्योगिक और कृषि श्रम आयोजन करना, स्थानीय और नगर निकायों को नियंत्रित करना, देश के बाहर प्रचार के लिए एक एजेंसी बनाना, मतलब फॉरेन अफेयर्स वगैरह को भी कंट्रोल करना, और व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए एशियाई देशों का एक महासंघ स्थापित करना, मतलब एशियाई जो नेशन है उनका आपस में महासंघ बनाने के पीछे प्रयास भी किए इन लोगों ने, और कांग्रेस को एक रचनात्मक कार्यक्रमों में संलग्न होना। स्वराज पार्टी का महत्व तो क्या रहा है
आधुनिक भारत में तो गांधी जी और प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स, इन दोनों ने ये जितने भी दल कांग्रेस के प्रभावित हुए, सबने मिलकर बैठ के समझा कि यार जो राष्ट्रवाद की अवधारणा चल रही है उसमें हमें एकजुटता या एकजुट मोर्चा बनाने का ज़्यादा महत्व है, और इस महत्व को उन्होंने महसूस भी किया। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि स्वराज्यवादी कांग्रेस पार्टी के भीतर ही, कांग्रेस पार्टी से अलग ना होकर कांग्रेस पार्टी के भीतर ही एक अलग समूह के रूप में चुनाव लड़ेंगे। और परिणामतः स्वराज पार्टी ने 1923 में केंद्रीय विधानमंडल की 104 सीटों में 42 सीटें जीती। पार्टी का कार्यक्रम सरकार को बाधित करने के लिए था। वे सरकार के हर उपाय पर गतिरोध पैदा करना चाहते थे। उन्होंने सरकार द्वारा आयोजित सभी आधिकारिक कार्यों और स्वागतों का बहिष्कार किया। उन्होंने विधानसभा में अपनी शिकायतों और आकांक्षाओं को आवाज़ दी। यहाँ पर उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, ठीक है। और काउंसिल में स्वराज पार्टी और उसकी उपलब्धियाँ देखते हैं तो स्वराज्यवादी विट्ठल भाई पटेल 1925 में केंद्रीय विधानसभा के स्पीकर बने। तो विट्ठल भाई पटेल स्वराज पार्टी के मेंबर थे और 1925 में उन्हें स्पीकर बनाया गया। बजट सेशन में उन्होंने कई बार सरकार की आलोचना भी की, ठीक है। तो बजट को लेकर उन्होंने आलोचना भी की। 1928 में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक को पराजित करने में सक्षम रहे और उन्होंने उसको अपोज भी किया। उन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्डारों की कमजोरियों को उजागर किया, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्डारों में कमियां थी उनको उजागर किया। उन्होंने स्वशासन और नागरिक स्वतंत्रता पर विधानसभा में उग्र भाषण दिए। अब देखते हैं स्वराज पार्टी कमियां, तो विधानसभा के अंदर अपने संघर्ष को बाहर के सामूहिक स्वतंत्रता संग्राम के साथ समन्वित नहीं कर पाए। इनमें लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था, कोऑर्डिनेशन कमी थी। वो पूरी तरह से विधानसभा में अपने काम और संदेश को बाहरी दुनिया में ले जाने के लिए समाचार पत्रों पर निर्भर थे। तो अपने विचारों और जो नीतियाँ हैं इनकी, उनको फैलाने के लिए समाचार पत्रों पर निर्भर थे। ये इंडिविजुअल इंटरेक्शन को फॉलो नहीं कर रहे थे, मतलब एक हर एक पर्सन से हम इंटरेक्ट हों ऐसा ये फॉलो नहीं कर रहे थे। तो इस प्रकार से ये कुछ इनके ड्रॉबैक भी रहे हैं, और उनमें से कुछ, यहाँ तक कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये रहा है कि स्वराज पार्टी के मेंबर ही ब्रिटिश गवर्नमेंट में अपने जो पोजीशन होल्ड किए थे, जबकि असहयोग आंदोलन में ये बोला गया था कि आप किसी भी प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट को ना तो डायरेक्ट ना ही इनडायरेक्ट वे में सपोर्ट करेंगे, सारे अपने पद त्याग देंगे। तो इसमें स्वराज पार्टी के कोई मेंबर ब्रिटिश गवर्नमेंट में अपने पद होल्ड की रहे, अपने जो पोजीशन है वो होल्ड की रहे और कार्यालय संभाले। इनमें से जैसे मोतीलाल नेहरू ने स्कीन कमेटी के मेंबर थे, और ए रामास्वामी अयंगर लोक लेखा समिति के सदस्य थे। तो इन्होंने अपने जो कार्यालय हैं उनका त्याग नहीं किया था, वो उन्हें संभाले रहे। रुकावट की उनकी नीति में इसकी खामियां और सीमाएं भी थी। 1925 में सीआर दास की मृत्यु ने पार्टी को और कमज़ोर कर दिया। स्वराजवादियों में आंतरिक विभाजन थे 1925 में। यहाँ पर ध्यान देना कि सीआर दास की मृत्यु के बाद पार्टी और कमज़ोर हो गई, और आगे जाके स्वराजवादी पार्टी भी दो हिस्सों में स्प्लिट हो गई, रिस्पॉन्सिबल और इररिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो वे जिम्मेदार और गैर जिम्मेदार पदों में विभाजित हुए। तो जिम्मेदार में जैसे कि मदन मोहन मालवीय, लाल लाजपत राय, एनसी केलकर सरकार के साथ सहयोग करना चाहते थे और कार्यालय संभालते थे, जबकि गैर जिम्मेदार मोतीलाल नेहरू ने 1926 में विधानसभा के चुनाव से हट गए थे, और 1926 के चुनाव में यह पार्टी लड़खड़ा गई। इसके परिणाम स्वरूप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, और साथ साथ जब इन्होंने देखा कि बंगाल में भी समर्थन नहीं मिला, और बंगाल में समर्थन ना मिलने के पीछे वजह थी कि इन्होंने किसानों का सपोर्ट नहीं मिला, और इन्होंने किसानों की जो प्रॉब्लम थी उसको अच्छे सुना भी नहीं, तो इस प्रकार से किसानों ने सपोर्ट भी नहीं किया। तो बंगाल में इनको जो समर्थन था उसको काफ़ी नुकसान हुआ, और अंततः 1930 में पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया। तो इस प्रकार से जो स्वराज पार्टी 1930 में बनी और 1930 में 7 साल के अंदर ही कांग्रेस में ही विलय हो गया। और कांग्रेस का ही एक छोटा सा दल था, इतना ध्यान देना है। इसकी स्थापना किसने की थी? सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने। कब की थी? 1930 में। और कांग्रेस में विलय कब होगी? 1930 में। इतना आपके लिए फैक्चुअल पॉइंट काम का है। उम्मीद करते हैं कंटेंट आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ दिस इज साइन चौहान साइनिंग ऑफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।